subscribe our YouTube channel and watch our videos. मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया के निजाम को, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों। मालूम चला ये दो जहां की कामयाबी दर तुझे दरकार है, दो जहां की कामयाबी दर तुझे दरकार है। उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम, उनका दामन थाम ले जिनका मोहम्मद नाम है। जब हम इस्लाम के दामन को थामेंगे इंशाअल्लाह दोनों जहां में कामयाब होंगे। अब इसके बाद मोहम्मद समी अल्लाह को दावत शुक्र दे रहा हूँ कि वह आए और अपने खिताब से हम सभी को मुस्तफीज फरमाए। मोहम्मद समी अल्लाह, الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا۔ برادران عزیز اور واجب التکریم بزرگوں، रब कायनात का अज़ीम एहसान और करम हुआ के मालिक दो जहां ने हमें इस पुरनूर और बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूलियत से नवाजे। इस मुतबरक महफिल में मुझे हुकूक़ वालिदैन पर ख़िताब करने का मौका मिला है, इसलिए मैं चंद मिनट इसी उन्वान पर गुफ्तगू करूँगा। उम्मीद है कि संजीदगी के माहौल को बरकरार रखेंगे। हज़रात गिरामी, अगर आज के पुरफ़ेदन दौर में हम दुनिया पर तायराना नज़र डालें तो यूँ महसूस होता है कि हर सिम से अपने अपने हुकूक़ का मुतालबा की सदा सुनाई देती है। हर सिम जुल्म ज़्यादती का दौर दौरा नज़र आता है, एक दूसरे का हक मारता हुआ नज़र आता है। हर एक को दूसरे से शिकायत है, रियाया को बादशाह और हाकिम से शिकायत, आका और मालिक को गुलाम से शिकायत, गुलाम और नौकर को आका से शिकायत। औलाद वालिदैन का हक अदा करने के लिए तैयार नहीं, कोई पड़ोसी पड़ोसी का अदा करने के लिए तैयार नहीं। हम उस माँ पर जुल्म सितम और ज़्यादती की बरसात करते हैं जिस माँ ने नौ माह अपने पेट में रखा, जिस माँ ने ढाई साल तक दूध पिलाया, जिस माँ ने बच्चा के साथ मुसीबत बर्दाश्त की, जिस माँ ने बच्चा की परेशानी को अपनी परेशानी समझा। मुझे बताओ तो सही कि क्या वालिदैन का यही है कि उन पर जुल्म ज़्यादती के पहाड़ तोड़े जाए, क्या उनकी इज्जत और एहतराम को पामाल किया जाए, क्या उनकी इज्जत और एहतराम पामाल किया जाए, क्या उनके साथ घिनौनी और नापाक हरकत की जाए। हरगिज़ नहीं, ये वालिदैन का हक नहीं। याद रखे कि अगर कोई अपने वालिदैन की इज्जत एहतराम को पामाल करता है, उन पर ज़्यादती करता है, तो अपना ठिकाना जहन्नम बना ले। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, हदीस शरीफ में मौजूद है, हज़रत उमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने दरियाफ्त किया, या रसूलल्लाह मा हक़ुल वालिदैन, वालिदैन का हक क्या है। सुनो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब तो सुनो। महबूब किब्रिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुमा जन्नतु व नारुक, वही तेरी जन्नत है वही तेरी जहन्नम। हदीस में गौर तो करिए, पता चलता है कि वालिदैन का हक क्या है। हदीस शरीफ का मतलब यह है कि अगर तुम वालिदैन की इज्जत एहतराम करोगे, उनकी फरमा बरदारी करोगे, तो जन्नत के हकदार बनोगे, और अगर उन पर जुल्म ज़्यादती और बुरा सलूक करोगे तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बिरादरान मिल्लत, जिस औलाद से वालिदैन नाराज़ है तो रब्बे कायनात भी नाराज़ रहते हैं। मैं हवाले के साथ बताता हूँ, तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी उठाओ और सफ़ा 12 पर देखो तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर की एक रिवायत मौजूद है। वो फरमाते हैं कि शहन साहिबा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामिया कि रिज़ल रब्बी फ़ी रिज़ल वालिदी व सख्तु रब्बी फ़ी सख्तिल वालिदी, अल्लाह की रजामंदी वालिद की रजामंदी में है, अल्लाह की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। अगर किसी औलाद से वालिदैन रजामंद है तो रब्बे कायनात उससे राजी, मोहसिन इंसानियत उससे राजी, सहाबा कराम उससे राजी, अर्शे इलाही उससे राजी, जन्नत हूर उससे राजी, मलाइका उससे राजी, इंसान और जिन उससे राजी, ज़र्रे कायनात उससे राजी। और अगर नाफरमानी और गुस्ताखी करने वाला हो तो खुदा की भी उस पर लानत, रसूल की भी उस पर लानत, मलाइका की भी उस पर लानत, सहाबा कराम की भी उस पर लानत। एक हदीस शरीफ में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो नेक व सालेह औलाद अपने वालिदैन की जानिब मोहब्बत भरी नज़र से एक मरतबा देखे तो हक ताला उसको एक मकबूल हज का सवाब देंगे। सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने किया, या रसूल अल्लाह अगर कोई सालेह औलाद
एक दिन में 100 मर्तबा देखे तो क्या उसको 100 मकबूलत का सवाब मिलेगा। तो उस मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम अल्लाहु अकबर व अतिया, हाँ रब्बे के आनंद की आशा और बख्शी से तुम्हारे तसव्वुरात से बढ़कर है। अजीजान इस्लाम, वालिदैन के साथ घिनौने हरकत करने के नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज्जत दुनिया में ही दिखा देते हैं, जैसा कि मैंने माकबर में एक वाकया भी बताया था। लेकिन एक सहाबी है, बहुत साले इंसान है, जिसका नाम अलखमा है, नमाज की पाबंदी करते हैं, नफलों को कसरत से पढ़ते हैं, ज़कात व सदका अदा करते हैं, आमाले सालेह के पाबंद हैं। लेकिन उन्होंने अपनी बीवी को माँ पर तरजीह दी, जिसका नतीजा यह हुआ कि इंतकाल के वक्त ज़बान पर कलमा तैयबा जारी ही नहीं होता और रूह गले में अटकी हुई है। तमाम लोग दुआ कर रहे हैं, कुरान शरीफ की तिलावत की जा रही है, लेकिन रूह जिस्म से निकलने का नाम ही नहीं ले रही। अलकमा तकलीफ की वजह से तड़प रहे थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाकई की इत्तला दी गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या उनके वालिदैन जिंदा है? इत्तला मिली कि सिर्फ वालदा हयात है। माहिर रिसालत ने फरमाया, ए बुढ़िया, अलकमा का तेरे साथ कैसा सलूक था? बुढ़िया ने कहा, मेरा लगत जिगर तो बहुत नेक व साले था, लेकिन उसने अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह दी थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको माफ़ कर दो। बुढ़िया ने माफ़ करने से इनकार कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, ए बिलाल, लकड़ियाँ जमा करो और अलकमा को उसमें जिंदा जला दो। बुढ़िया तड़प गई और कहा कि मेरे लगते जिगर को जला दिया जाएगा। ममता जोश में आ गई और कहा कि या रसूलल्लाह, मैं आपको और तमाम लोगों को शाहिद और गवाह बनाती हूँ कि मैंने अलकमा को माफ़ कर दिया। बस इतना कहना था कि हज़रत अलकमा की रूह परवास कर गई। अज़ीज़ाने इस्लाम, हमें इबरत आमेज वाक़ियात से नसीहत हासिल करनी चाहिए। ये वाक़ियात तारीख की किताबों और उनके औराक में अभी भी मौजूद है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको वालिदैन के साथ हुस्न सुलूक और उनको राज़ी करने की तौफीक अदा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अभी हम वालिदैन के बयानात, जो बच्चे जामिया अरबिया सुगौली के तलबा हमें मुस्तफिज फरमा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। इससे खुश होकर जनाब मोहम्मद तैयब साहब ने इन्हें 50 रुपये से नवाजा और डॉक्टर कमर होदा साहब ने भी 50 रुपये से नवाजा। बच्चे आए अपने इनाम से। जनाब कारी हैदर अफाक साहब भी अपने बबरकत हाथों से बच्चों को नवाज रहे। जिसके दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, जिसके दिल से माँ की मोहब्बत चली गई, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई, समझो कि उसके हाथ से जन्नत चली गई।